टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स के साथ मैं शिवेंद्र स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। टोक्यो ओलंपिक का आठवां दिन भारत के लिए बेहतर रहा। आज भारत की बेटियों ने साबित कर दिया कि वो वाकई धाकड़ हैं। शुक्रवार को भारत ने अपनी झोली में एक और पदक डाल लिया है। मुक्केबाज लवलीना ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और इस ओलंपिक में देश के लिए दूसरा पदक पक्का किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था। वहीं आज बैडमिंटन में भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में पहुंच बना ली। वो अब मेडल से एक कदम दूर हैं। क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय मेंस हॉकी टीम ने पूल ए के मैच में जापान को 5-3 से हराया। वहीं बात करें तीरंदाजी की तो दीपिका कुमारी का पदक जीतने का सपना लगातार तीसरी बार टूट गया। निशानेबाजी में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड स्पर्धा में राही सरनोबत और मनु भाकर ने एक बार फिर निराश किया। वहीं मुक्केबाज सिमरनजीत कौर महिलाओं के अंतिम 16 में अपना मुकाबला हार गई। हॉकी में भारत की महिला टीम ने आयरलैंड को हरा दिया और महिला एथलीट दूती चंद सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।